दोस्तों, जब भी हम ट्रेन से यात्रा करने जाते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न रहती है कि कोच का पोजीशन किधर आएगा। यानी कि ट्रेन जब स्टेशन पर आ रही होती है तो हम स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन हमें डिब्बे का पता नहीं होता है कि कौन सा डिब्बा कहाँ आएगा। कभी कभी हम पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी हम आगे खड़े हो जाते हैं, और ट्रेन चालू हो जाती है, चलना स्टार्ट कर देती है, तो हम अपने डिब्बे में नहीं बैठ पाते हैं। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताता हूँ कि एक ऐप के ज़रिए हम पता कर सकते हैं। वो ऐप है वेयर इज़ माई ट्रेन, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी और कम MB की है। और इंस्टॉल कर लीजिए इसको, वेयर इज़ माई ट्रेन इस ऐप का नाम है। और यहाँ से आपको जिस स्टेशन के बीच आपको यात्रा करनी है वह आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया न्यू दिल्ली से जयपुर। तो यानी कि न्यू दिल्ली से जयपुर के बीच जितनी भी ट्रेनें चल रही होंगी वो सभी यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर अपनी ट्रेन को ढूंढ लेना है, सर्च कर लेना है, जिससे आप यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं इस वाली ट्रेन को, रजनीखेत एक्सप्रेस, जो कि डेली चलती है 4:30 AM से 10 AM के बीच में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस ट्रेन का लाइव लोकेशन भी आ जाएगा। जिस ट्रेन इस समय यहाँ पर होगी वह यहाँ दिखा देगा, यह ट्रेन इस समय यहाँ पर है, इस जगह पर है, ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन का सिग्नल आ रहा है यहाँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से लाइव स्टेशन ये आ जाता है, जो ये ट्रेन का जो डिब्बा आ रहा है, अगर यहाँ पर ये आ गया तो इसका मतलब ये ट्रेन इस स्टेशन पर है। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि आपको कोच पोजीशन पता करनी है, आपकी कौन सा डिब्बा किधर आएगा। तो आप देखिए ऊपर की तरफ, आप इस आदमी को बैठा हुआ देख रहे हैं, ये बैठा हुआ सिटिंग कर रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर देखिए ये डिब्बे आ रहे हैं, S1, S2, S3, S6, S7, B1, B2, B4, H1, A1, A2, GS, स्लीपर है MJ। तो ये आपकी कोच पोजीशन है, यानी कि कौन सा डिब्बा किधर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे का इंजन इधर है, पहला डिब्बा SLR है, फिर एक जनरल डिब्बा है, फिर S1 है, S2 है। यानी कि आप अगर S2 में आपकी टिकट रिजर्व है तो आपको इंजन के इस तरफ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये था मेरा बताने का मोटिव। और देखिए यहाँ पर आप, अगर आपका डिब्बा A1 A2 है, यानी कि AC के डिब्बे हैं, तो आपको पीछे वाले पर खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि जिधर से ट्रेन आ रही है उसके बैक साइड में। तो अब चलिए बैक चलते हैं, और बैक चलते हैं एक ट्रेन का और मैं आपको दिखा दूं। मान लीजिए ये सबसे ऊपर वाली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ट्रेन एब्सोल्युटली यहाँ पर है। अभी लाइव लोकेशन पता चल जाती है, ये यहाँ पर स्टेशन आ रहे हैं, ये मेन सिटिंग जो आदमी बैठा हुआ है इस पर क्लिक किया मैंने तो ये कोच पोजीशन यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी ट्रेन की कोच पोजीशन किधर है। और आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप भी स्टेशन पर पहुँचेंगे, रेलवे स्टेशन पर, तो आप ध्यानपूर्वक उसी जगह पे खड़े हो जाइए जहाँ पर आपका डिब्बा रुका होता है। वैसे रेलवे स्टेशन पर आपके ऊपर टंगा रहता है S1 S2, उसी के नीचे आप खड़े हो जाइए, वहाँ पर आपके वो डिब्बे रुकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।